हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो दे आपको 12 साल तक की वारंटी और आप ये प्रोडक्ट को एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। ये 10 डिग्री तापमान भी कम कर देता है और तो और 3 mm तक की जो दरारें होती है ना उसे भी नहीं आने देता है, और मॉइस्चर की बात करें तो 20% तक के मॉइस्चर को भी अच्छे से ये रोक लेता है। मैं बात कर रहा हूँ ये बेहतरीन प्रोडक्ट जीरो डैम्प एडवांस बाय शालीमार पैंट्स के बारे में। तो दोस्तों, हमें वाटर प्रूफिंग करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे घरों में कई बार नमी आ जाती है, हमारी जो एक्सटीरियर दीवार है वहाँ पर क्रैक्स होने के कारण बारिश के टाइम क्रैक से पानी आकर हमारे घर के अंदर डैम्प आ जाता है। कई बार गर्मी या फिर सर्दी में जो हमारी दीवारें हो ना वो एक्सपेंड होती है, फिर सिकुड़ने के कारण वहाँ पर माइनर क्रैक्स आ जाते हैं, तो बारिश के टाइम वहाँ से पानी आके हमारे घर के अंदर डैम्प कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपके पास ये प्रोडक्ट होगा तो ऐसी सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहना क्योंकि आज मैं आपको एक पूरी दीवार रिपेयर करके दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि जो जीरो डैम्प एडवांस है ना उसे कैसे अप्लाई करना होता है, अप्लाई करने से पहले जो वॉल की प्रिपरेशन है वो कैसे करनी होती है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे भी। तो चलो सबसे पहले हम वॉल की प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा होगा कि दीवार पर से हमारा जो पेंट की पपड़ी है ना वो निकल चुकी है, कई जगह पर पुट्टी की पपड़ी बन रही है या फिर कई जगह पर ऐसी पपड़ी बन रही है कि टच करने पर वो पपड़ी गिर जाएगी नीचे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये है हमारी वॉल की कंडीशन जहाँ पर हम आगे काम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने वॉल की प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जितने भी दीवार पर से लूज पार्टिकल थे ना उसे रिमूव कर लिया है। अब बारी है हमारे प्रोडक्ट यानी कि जीरो डैम्प एडवांस ये वाला प्रोडक्ट है ना, इसे अप्लाई करने की। अप्लाई करें उससे पहले इसे अच्छे से मिक्स भी करना होता है। अब दोस्तों, मैं आपको मिक्सिंग रेशियो बता दूँ तो ये जो प्रोडक्ट है ना उसके अंदर हमें सेल्फ फ्रेमिंग कोट करना होता है, यानी कि यही मटेरियल को हम पानी के अंदर थोड़ा पतला करना होता है और फिर जो हमारी सरफेस है ना उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। तो कितना पतला करना होता है, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट है ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप फर्स्ट कोट के अंदर 30% पानी ऐड कर सकते। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने ये 1 लीटर पूरा पानी लेके रखा है ना, तो उसमें से 30% हम पहले ये ट्रे में डाल देते हैं। अब यही बकेट के अंदर हम नापने के लिए जो हमारा जीरो डैम्प एडवांस है ना उसे डालेंगे। अब ये इसके अंदर डाल देता हूँ, तो कुछ इस तरह से अच्छे से हम ऐसे मिक्स करते रहेंगे तो जितना भी हमारा ये दोनों है ना वो बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी ये भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं मिक्स कर रहा हूँ तो शायद आपने देखा होगा कि इसके अंदर कुछ वो फाइबर के दाने, कॉटन के दाने जैसा, धागे जैसा हमें लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये होने से हमें फ़ायदा ये मिल जाता है कि जो हमारी वॉल की पकड़ है ना वो अच्छे से बन जाती है और क्रैक से माइनोर कैक्स वो भी अच्छे से भर देता है और हमें एक स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, और ये अप टू 3 mm तक के जो क्रैक्स हैं उसे अच्छे से फिलअप कर देता है, और नहीं है आपके दीवारों में तो वो पड़ने भी नहीं देता है। तो हमारा यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे दीवार पर किस तरह से लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अच्छे से जीरो डैम्प एडवांस का फर्स्ट कोट लगा लिया है। अभी इसे हमें ड्राई होने के लिए 3 से 4 घंटे सूखने देना होगा। सूखता है तब तक मैंने इसके लिए एक डेमो बना के रखा,
ताकि आपको पता चले कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस हद तक जाती है। तो उसके लिए हमने सैंपल के लिए दो अलग अलग छन्नी लिए, एक छन्नी को अंदर हमने कुछ नहीं लगाया, वैसे की वैसे रहने दिए, और दूसरी छन्नी के अंदर हमने जीरो डैम्प एडवांस के तीन कोट अच्छे से लगा के रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पानी डाल के देखेंगे और फिर हमारी जो जीरो डैम्प एडवांस है ना उसके अंदर पानी डाल के देखेंगे ताकि हमें भी पता चले कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो सबसे पहले देखो ये जो नॉर्मल छल्ली है ना उसके अंदर हम जैसे ही पानी डालते हैं तो पूरा का पूरा पानी नीचे डायरेक्ट चला जा रहा है, दिख रहा है आपको। अब उसी के बजाय इसे साइड में रख के हम हमारी जो जीरो डैम्प की है ना उसके अंदर पानी डालते हैं, आपके सामने देखो। तो हमने ये पूरा भर दिया फिर भी लीकेज नहीं हो रहा है ना कहीं से पानी जा रहा है, तो आपको इससे ये पता चल रहा है कि ये कितना स्ट्रेंथ अवेलेबल करवाएगा हमारी वॉल या फिर एक्सटर्नल वॉल जहाँ पर भी ये प्रोडक्ट हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये अच्छे से पकड़ बना के रखेगा, और ये पानी कभी मैं डाल देता हूँ नीचे देखो, है ना। और ये देखो थोड़ा हार्ड भी हो जाता है लगाने के बाद, तो इससे हमारी जो क्रैक्स आने के चांस है ना वो भी कम हो जाते हैं, और इतना भी हार्ड नहीं है कि ये कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से मोड़ोगे तो मुड़ भी जाएगा फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो इससे हमारे क्रैक्स को जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रास्ट हो गए ना उस कंडीशन में वापस खुलने भी नहीं देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट कोटर है वो अच्छे से सूख चुका है। चेक करने के लिए मैं आपको हाथ लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ फिर भी मेरे हाथ के अंदर कुछ चिपक नहीं रहा है, तो प्रॉपरली हमारा अच्छे से सूख चुका है। अब इसके ऊपर हम बारी के जो हमारा सेकंड कोट है ना वो लगाएंगे। फर्स्ट कोट हमने इस तरह से लगाया था, तो सेकंड कोट इस तरह से खड़ा लगाया गया ब्रश की मदद से, तो अच्छे से हमारा जो प्लस निशान है ना जैसे कि हमने आगे बात किया था वो कंप्लीट हो जाएगा। एक और बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, फर्स्ट कोट के अंदर हमें सेल्फ प्राइमिंग के लिए पानी वगैरह ऐड करना था, पर अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। जीरो डैम्प यहाँ पर आप देख सकते हो, जीरो डैम्प एडवांस है ना उसका डायरेक्ट जो मटेरियल आएगा ना वही हमें इसके ऊपर सेकंड कोट में अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर हमने जीरो डैम्प एडवांस के दो कोट अच्छे से लगा लिया है, ये हमारी वॉल थी इसलिए हमने दो कोट लगाया है। अगर हमारी टेरेस या फिर एक्सटीरियर वॉल पर हम काम करते हैं ना तो वहाँ पर शायद तीन कोट करने की जरूरत पड़ सकती है, टेरेस पर तो हमें तीन कोट करने ही पड़ेंगे तभी हमें अच्छा वाटर प्रूफिंग रिजल्ट मिलेगा। और आगे जैसे हमने बताया था ना कि 10 डिग्री तक का तापमान भी कम कर देता है, तो वो सब के लिए तीन कोट हमें लगाने पड़ेंगे छत के ऊपर। अब दोस्तों ये जब तक सूखता है ना तो मैं एक आपको फिर से एक एग्जांपल डेमो दे देता हूँ कि दो फुट वॉल में जो इसकी परत है ना वो किस तरह की लेयर बन जाती है और तीन फुट हम करते हैं तो किस तरह। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो लेयर और ये तीन लेयर, ये छत के लिए है और ये हमारी दीवारों के लिए। तो ये सबसे पहले मैं आपको ये वाली दिखा देता हूँ जो पतली वाली है ना, वो अगर हमारी दीवार में क्रैक्स वगैरह आए फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर गर्मी ठंडी जैसे मैंने आपको आगे बताया था ना उसके कारण सिकुड़ता है या फिर लंबा होता है दीवार थोड़ा सा, तो ये स्टेप हमारा जो केमिकल है ना वो फटेगा नहीं, उसके साथ ही एडजस्ट होता रहेगा। कैसे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा खींच के दिखा देता हूँ। देखो ये खींच रहा है ना और फिर वापस वही साइज में आ रहा है, दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से। देखो ये इतना खींच दिया हमने और फिर यही साइज में वापस आ गया, तो ये होता है हमारी दीवार के कारण, तो फिर से ऐसा कुछ आने नहीं देगा। और वही सेम अपने छत वाले में देखो, तो यहाँ पर देखो वो भी सेम यही काम करेगा, और ये थोड़ा जो दो कुट है ना उससे ठीक है, तो ये खींचेगा भी बहुत जल्दी नहीं और अच्छे से पकड़ बना के रखेगा। देखो इस तरह से मेहनत लग रही है मुझे इसे खींचने में, तो ये से हमारे क्रैक्स पड़ने ही नहीं देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारा सेकंड कोट भी अच्छे से सूख चुका है, उसके बाद जो दीवार की वाइटनेस है ना वो कितनी निखर के आ रही है, एकदम बेहतरीन फिनिश जैसा हमें लग रहा है। अब दोस्तों इतनी वाइटनेस के कारण जो हमारी हीट होती है ना उसे ये रिफ्लेक्ट कर देता है और हमें दीवारों में 10 डिग्री तक का तापमान कम करके देता है। तो चलो अभी इसके ऊपर हम आगे वॉल पुट्टी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली जो एक्स्ट्रा हमारी थी ना जहाँ पर से ज़्यादा प्लास्टर निकला था ना वो दीवार को स्मूथ कर लेंगे। देखो यहाँ पर से किस तरह आती थी, तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमने वॉल पुट्टी को अच्छे से अप्लाई कर लिया है।
अब बस इसे हमें सूखने देना है, सूखने के लिए हम 3-4 घंटे सूखने देंगे, उसके बाद ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और फिर इसके ऊपर हमें सैंडिंग करना है। सैंडिंग करने के बाद इसके ऊपर प्राइमर और पैट करना है। ये प्रोसेस देखने के लिए ऊपर यहाँ कहीं पे आई बटन में मैं एक वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से प्राइमर पैंट करना समझ जाओगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूँगा। और दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट यानी कि जीरो डैम एडवांस शालीमार पैंट्स कैसा लगा वो हमें कमेंट में बताना। तो चलो मिलते हैं कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।